चैनल मेकअप मैजिक विद मितुल। दिस इज मी मितुल एंड वेलकम टू एन अदर एक्साइटिंग वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू 120 रुपीस मेकअप चैलेंज। आज का जो ये लुक है मैंने 20 रुपीस मेकअप से क्रिएट किया है, 120 रुपीस जो कि मेरे लिए एक चैलेंज थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो थोड़ा सा समय लेके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको प्रेस कर दीजिए एंड उसके जस्ट बिसाइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो विदाउट फर्दर एनी डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, दिस इज माय प्यारी प्यारी चोटी। तो मेरे पास है ये सारी चीजें जो कि 120 रुपीस एंड इनसे मैं आज मेकअप करूंगी। सो मैं आज फेस पे कोई टोनर यूज नहीं करूंगी। आप चाहे तो गुलाब जल यूज कर सकते हैं जो कि अंडर 15 में आती है। एंड अब मैं यूज करूंगी रॉ एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर एंड इसमें कुछ भी मिलाया नहीं है, पूरा के पूरा रॉ है। मैं इसको फुल फेस में अप्लाई करके अच्छी से मसाज कर लूंगी एंड ये बहुत ही अच्छा एक प्राइमर का काम करती है। एंड अंडर 20 रुपीज में मुझे कोई भी प्राइमर या एलोवेरा जेल नहीं मिलने वाली थी, इसलिए मैंने मेरी पैर की एलोवेरा जेल रॉ एलोवेरा जेल यूज की है। अब मैं यूज करूंगी डाबर गुलाबेरी एज मॉइस्चराइजर जो की है ओनली 5 रुपीज। आप जॉय का मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं जो की 10 रुपीज में आती है एंड वो भी बहुत अच्छी है, मुझको नहीं मिली इसलिए मैंने गुलाबेरी यूज की है। मैंने कर ली है मॉइस्चराइजिंग एंड अंडर 20 रुपीस में मुझे कोई भी फाउंडेशन नहीं मिली है, इसलिए मैं एक DIY फाउंडेशन बनाऊंगी विद द पॉन्स वाइट ब्यूटी क्रीम एंड सैंडलवुड पाउडर जो कि आपको बाजार में 10 रुपीस की पाउच पैक इजीली मिल जाएगी। पॉन्स वाइट ब्यूटी क्रीम के अंदर मैं थोड़ा सा सैंडलवुड पाउडर मिक्स कर लूंगी ताकि मुझे थोड़ा सा येलोइश टोन मिले एंड ताकि ये फाउंडेशन जैसा लगे। मैं थोड़ा सा और क्रीम एंड थोड़ा सा और सैंडलवुड पाउडर मिक्स करूंगी इसमें एंड थोड़ा सा डाबर गुलाबेरी भी यूज करूंगी इसमें क्योंकि सैंडलवुड पाउडर ऐड करने में ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगी, थोड़ा सा नहीं बहुत ड्राई हो जाएगी एंड ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होगी, इसलिए मैंने इसके अंदर डाबर गुलाबेरी ऐड किया है। अब मैं इसे अप्लाई कर लूंगी मेरी पूरी फेस में एंड अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी एंड ये बिल्कुल फाउंडेशन जैसी ही लग रही है अभी तक। पता नहीं ब्लेंड करने के बाद कैसा होगा, मैं इसे मेरी फिंगर से ही ब्लेंड कर लूंगी एंड मैं ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज करने वाली हूँ एंड मैं आज कोई टूल्स को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ अंडर 20 रुपीज में। एंड आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा व्हाइट वाला टोन दे रहा है फेस में। मैं थोड़ा सा और अप्लाई कर लूंगी एंड फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी। मैंने इसमें बहुत सारा मॉइस्चराइजर डाला है फिर भी ये बहुत ही ड्राई लग रहा है मेरे फेस में एंड बहुत ही एक व्हाइट सा टोन छोड़ रहा है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। मैंने इसे नेक पे भी अप्लाई कर लिया है एंड अंडर 20 रुपीज में मेरे पास कोई कंसीलर भी नहीं है, इसलिए मैं इस फाउंडेशन को ही री अप्लाई कर लूंगी मेरी अंडर आईज में एंड फिंगर से ही ब्लेंड कर लूंगी एंड मेरी जो बाकी डार्क एरिया है फेस की उधर पे भी मैं थोड़ी सी अप्लाई कर लूंगी एंड अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है। एंड अब मैं मेरी फेस को सेट करने के लिए पॉन्स का जो टैल्कम पाउडर आती है वो यूज करूंगी जो कि है ओनली 10 रुपीज की एंड इसको मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अंडर आई पे चीक बोन की नीचे वाली पार्ट में एंड फोरहेड में अप्लाई कर लूंगी एंड एक पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं उसको डस्ट ऑफ कर लूंगी। एंड अब मैं मेरी आईब्रो को फिल अप करूंगी ADS की आईब्रो पेंसिल से जो कि मुझे 20 रुपीज में मिल गई है। मुझे इसमें कोई भी ब्राउन शेड नहीं मिली है इसलिए मैंने ब्लैक से ही फिल अप कर ली है एंड अब मैं इसको एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। फिर मैं एक स्पूली लेके उसमें थोड़ा सा रॉ एलोवेरा जेल लेके इसको सेट कर लूंगी एंड मेरी आईब्रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं करूंगी मेरी आई मेकअप विद द ब्लू हेवन काजल जो कि 10 रुपीज की है एंड दिस डोम्स ग्लिटर जो भी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगी एंड ऑल्सो मैं यूज करने वाली हूँ ADS का ये लिपस्टिक जो कि 20 रुपीज की है। आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक स्मोकी लुक, इसलिए मैं ये काजल को पूरी आईलिड में अप्लाई कर रही हूँ एंड एक ब्रश की मदद से मैं इसको अच्छी से ब्लेंड कर लूंगी पर क्रीज लाइन के ऊपर ये काजल मैं अप्लाई नहीं की हूँ। अब मैं ADS की एक ब्राउन शेड वाली लिपस्टिक लेके मेरी क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई करूंगी एंड इसको अच्छी से ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं मेरी लोअर लैश लाइन पे भी वो सेम काजल अप्लाई करूंगी एंड वो ADS का लिपस्टिक थोड़ा सा ऐड करके मैं इसको अच्छी से मिक्स कर लूंगी
मैं ये मिनी वाला लिपस्टिक यूज कर रही हूँ जो कि भी ऑल्सो 20 रुपीज की है, एंड एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं उस सेम काजल को मेरी अपर वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूंगी। अब मैं इस ग्रीन कलर की ग्लिटर को एक फ्लैट ब्रश की मदद से थोड़ी थोड़ी करके लेके मेरी आई लिड पे सेट करूंगी। एंड ये जो ग्लिटर है ये थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद अच्छी से सेट हो जाएगी एंड सूख जाएगी। मेरी आई मेकअप जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, एंड आप देख सकते हैं आप इजीली इसको पार्टी में भी कैरी कर सकते हैं ओनली अंडर 20 रुपीज में। एंड लिप्स को मॉइस्चराइजिंग के लिए मेरे पास वैसलीन एंड ब्लू हेवन की ये दो लिप बाम्स है, मैं यूज करूंगी ब्लू हेवन वाली जिसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग है। अब मैं मेरी लोअर वाटर लाइन पे भी काजल अप्लाई कर लूंगी। फेस कंटूरिंग के लिए मेरे पास है ब्राउन कलर की वो एडीएस वाला लिपस्टिक एंड एक लिप लाइनर जो कि ब्राउन शेड में है, उससे मैं मेरी फेस को कंटूर कर लूंगी। एंड गाइस बिलीव मी ये बहुत ही अच्छा कंटूर की काम कर रही है, एंड मैं मेरी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लूंगी। एंड जो लिप लाइनर मैंने यूज किया है वो भी 15 रुपीज की है। ब्लश के लिए भी मैं यूज करूंगी एडीएस वाला लिपस्टिक एंड मैं ये पिंक शेड को लूंगी एंड इसको मेरी चिक में थोड़ा सा अप्लाई करके फिंगर से ब्लेंड कर लूंगी। हाइलाइटर के लिए मैं यूज करूंगी एक लूज ग्लिटर जो कि मुझे 20 रुपीज में मिली थी। आपको लोकल मार्केट में ऐसी लूज ग्लिटर इजीली मिल जाएगी, ये बहुत अच्छा तो हाईलाइट की काम नहीं करती है पर ठीक ठाक है अंडर 20 रुपीज में, और क्या चाहिए आपको। मेरे पास अंडर 20 रुपीज में कोई मस्कारा भी नहीं, तो मैं DIY ट्राई करूंगी वैसलीन एंड काजल के साथ। मैं थोड़ा सा वैसलीन लेके उसमें थोड़ा सा काजल मिक्स कर लूंगी एंड एक स्पूली की मदद से मैं इसको मेरी लैश में अप्लाई कर लूंगी। एंड जो वैसलीन मैंने यूज की है वो आपको इजिली 5 या 10 रुपीज में मिल जाएगी। एंड मैं आज एक फॉल्स लैश को यूज करने वाली हूँ जो कि 20 रुपीज में मिल गई है मुझको। एंड लिपस्टिक के लिए मैं वो सेम एडीएस वाला लिपस्टिक यूज करूंगी जो कि न्यूट शेड में है। तो इसको मैट बनाने के लिए मैंने पॉन्स की टैल्कम पाउडर यूज की है। मेरी ये चैलेंज यहीं पर कंप्लीट हुई है, मैं अपनी चोटी को खोल लूंगी एंड दिस इज द फाइनल लुक। एंड दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ टफ क्योंकि अंडर 20 रुपीज में मुझे कुछ भी नहीं मिल रही थी, फिर भी मैंने ट्राई की है। आई होप ये आपको अच्छी लगेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लुक। तो एंड आज मैंने 20 रुपीज के अंदर ये लुक क्रिएट किया है, आप लोग देख ही सकते हैं। Hope you will guys like it, and if you like it then please subscribe my channel and don't forget to press the bell button ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। And also like, comment and share my video। And मेरा ये आज का only 20 रुपीज मेकअप चैलेंज लुक आपको कैसा लगा ये जरूर आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। मैंने आज ये लुक क्रिएट किया है क्योंकि बहुत लोग महंगा कुछ एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो इजीली ये पार्टी मेकअप लुक कर सकती है। आप लोग बिल्कुल भी बुरा कमेंट मत करिए एंड आपको कैसा लगे ये जरूर बताइए। अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगा तो भी बताइए। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू।